वेलकम टू माई चैनल नोमैड लाइफ स्टाइल। सलाम नमस्ते सस्त्रियाकाल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ वेयर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। कोविड इज़ नॉट गॉन, बी केयरफुल एवरी वन, एंड आई होप एवरी वन इज़ डूइंग ग्रेट। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ईट, लव ईटिंग फूड, एंड आई एम अ बिग फूडी, आई एम अ वेजिटेरियन, एंड आई लव टू सोलो ट्रैवलिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। Have you seen this report? Oh my God, 40% of Indians will have no drinking water after 2030. This is really concern. According to Niti Aayog, there will be no groundwater. And it's not only small places, it's going to be like 40% is a huge amount. It's going to concern about Delhi, Hyderabad, Bangalore, Chennai, major cities. There's going to be no water, drinking water, groundwater. Plus matters have been worst in COVID because we have to keep distance, we have to keep on washing our hands regularly, and water has been wasted a lot. So according to Niti Aayog, we have to save, we have to act fast. Still we are wasting a lot of water in RO. Do you know how much RO waste water? 1 liter of water is purified and 3 liter is wasted. And the total capacity of RO is 15 liters of water it can hold. So that means a lot, like 15 into 3, 45 liters of water is wasted every time you fill up your RO. So that's a lot. What can be done about it? So 7 suggestions from my side to use RO waste water. Fully automatic washing machine uses 60 liters of water every time you do the full cycle, and semi-automatic uses 120 liters of cycle. So even in fully automatic you can change its setting and do little less water, like quick wash and everything. That can be done. So I would highly recommend you to use it, and I have a video following how you can use RO water in this. Tip, how to save, small tip, how to save water. Water purifier, se bahut pani waste hota hai. One thing to do is wash your utensils with that water. What I did initially was, this wire used to come here and there was a 5 liter tub and the water used to collect here, and यहाँ पे आराम से मैं पानी से अपना बर्तन वगैरह धो सकती थी। सो दिस वॉज वेरी कन्वीनियंट। द सेकेंड थिंग आप कर सकते हो कि ये पूरा पानी, ये जो पानी का पाइप है देखिए, ये बाहर से जा रहा है ऊपर, एंड बाहर बालकनी है, जस्ट शो यू द बालकनी। ये वापस आके यहाँ से पूरा घूम कर आ गया ऐसे। ये देखिए ये पानी इसका इसमें चला गया, तो वॉशिंग मशीन में ये पूरा पानी यूज़ होता है। एंड दिस इज़ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। एंड सेकेंड थिंग, आई यूज़ इट फॉर वाटरिंग माई प्लांट्स, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा आप लगवा सकते हैं जब भी आप प्योरीफायर लगवा रहे हैं। जितना प्योरीफायर होता है उससे डबल वेस्ट हो जाता है। सो जस्ट फिल दिस अप एंड काफ़ी आपका पानी बचेगा इससे। तो ये पूरा आप यहाँ तक पूरा ऊपर तक भर सकते हैं, पूरा ऊपर तक जब भर जाए साबुन डालो एंड जस्ट वर्क विद इट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप वाटर फुली ऑटोमेटिक यूज़ करें, सेमी ना यूज़ करें। ये मिथ है कि सेमी में ज़्यादा पानी यूज़ होता है, बल्कि उल्टा है कि ऑटोमेटिक में कम पानी यूज़ होता है, बिकॉज वो अंदर आने ही नहीं देगा। अगर आप पानी ऑन भी छोड़ देंगे यहाँ से नल से, तो वो पानी अंदर आएगा ही नहीं, नीचे इसमें लॉक होता है। तो ये मिथ को ना फॉलो करें। वेन एवर यू थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू वॉशिंग मशीन, बाय फुली ऑटोमेटिक, इट सेव्स लॉट ऑफ वाटर, वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू। सेकेंडली अपना जो आर ओ है, आर ओ का पानी इसमें डालिए। सो दिस वॉज द थिंग, ये मैंने बाहर वहाँ पर रखा हुआ था किचन में पहले, एंड बिकॉज हर टाइम मैं किचन में नहीं रख पा रही हूँ, आई हैव टू बाय अनदर वन फॉर स्टोरिंग दिस टू वॉश यूटेंसिल्स। प्लस सेकेंड थिंग आई डू इज, थर्ड थिंग वॉट आई डू विद दिस वाटर इज, इससे मैं पानी भर के, लाइक यहीं पर ये पोछे का है, सो दिस इज़ यूज टू क्लीनिंग द हाउस ऑल्सो।
dusting and cleaning. So this all water is used for washing dishes, washing my clothes, cleaning the house, and fourthly to water my plants. So it says ये सारा पानी आप बहा देते हैं, वेस्ट होता है. सो डोंट वेस्ट वाटर. यू कैन यूज़ इट, स्टोर दिस वाटर एंड यूज़ इट टू वॉश योर कार्स, क्लीन योर हाउस, बाथरूम्स, एंड स्पेशली यू कैन स्टोर इट एंड फ्लश योर टॉयलेट्स ऑल्सो. वॉटिंग योर प्लांट्स इज़ अमेजिंग, एंड इवन यू कैन यूज़ इट इन स्टीम प्रेस. दैट इज़ समथिंग वेरी मच. इन समर्स इट कैन बी यूज इन वाटर कूलर्स ऑल्सो. So these are the 7 steps and 7 things. Please, 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 I really want you to guys follow this. Make it a habit of doing this. And there is a vlog, there is a link below. Just see and you can read about this. How to store water and all these points are written in it. Please comment and let me know who all tried this methods, and if you have any other methods in which RO water can be used, do let me know in the comments below. If you like the videos and want further videos, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that whenever I'll put new videos, you will get a notification of it. And do let me know in the comments, how did you like the tea recipe? If you want updated information, please follow me on Instagram, Nomad Lifestyle Blogger.